और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिका दौरे के पहले दिन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों के सीईओ राउंड टेबल में शिरकत की। ह्यूस्टन के होटल पोस्ट ओक में हुई इस बैठक में टेल्यूरियन और पेट्रोनेट के साथ लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर भी हस्ताक्षर किए गए और बताना चाहेंगे कि 5 मिलियन टन LNG के लिए MOU साइन किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में सिख समुदाय के सदस्यों के साथ भी मुलाकात की और सिखों ने भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर PM मोदी को काफी ज्यादा बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। समुदाय ने PM को एक ज्ञापन भी सौंपा और बता दें कि अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सम्मान में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी शिरकत करनी है और इस कार्यक्रम का आयोजन गैर लाभकारी संगठन टेक्सास इंडिया फोरम ने किया है जिसमें 48 राज्यों के लोग शामिल हो रहे हैं और कार्यक्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान 50 किलोवाट क्षमता के गांधी सोलर पार्क का भी लोकार्पण करेंगे और इससे पहले ह्यूस्टन पहुंचे PM मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कश्मीरी पंडितों से मिले और इस दौरान कश्मीरी पंडित भावुक हो गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उठाए गए कदमों के लिए कश्मीरी पंडितों ने PM मोदी को धन्यवाद दिया है और कश्मीरी पंडितों से मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के एक सदस्य ने PM मोदी के हाथ चूमते हुए कहा कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों की ओर से उन्हें वो शुक्रिया अदा करते हैं। इस दौरान PM मोदी ने भी कहा कि उन लोगों ने जो कष्ट झेला है वो भी कम नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान कश्मीरी पंडितों से नमस्ते शारदे देवी श्लोक का भी पाठ किया गया। इस दौरान PM मोदी काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने कहा अगेन नमो नमः। इसके साथ ही PM मोदी ने बोहरा समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। PM मोदी वहां एयरपोर्ट पर जब उतरे तो जो हुआ वो जानकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। जी हां, दरअसल ह्यूस्टन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी महिला अधिकारी ने PM मोदी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गुलदस्ते को लेने के लिए पैर आगे बढ़ाए, एक छोटा सा टुकड़ा जो गुलदस्ते का था वो जमीन पर गिर पड़ा। PM मोदी आगे बढ़ चुके थे लेकिन जैसे ही इसका आभास हुआ, उन्होंने बिना प्रोटोकॉल या अपने पद की परवाह किए वो खुद झुके और जमीन पर गिरी उसकी पत्तियों को उठाकर पास खड़े अपने सहयोगियों को उन्होंने सौंप दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद अधिकारी भी चौंक गए और PM मोदी ने गुलदस्ते के भी एक छोटे से टुकड़े को वहां से उठाकर एक संदेश दिया कि वो खुद भी स्वच्छता के संकल्प को कितनी गंभीरता से निभाते हैं। बता दें कि PM मोदी लोगों से भी आए दिन अपने आसपास साफ सफाई और स्वच्छता रखने की अपील करते हैं और यही संदेश उन्होंने ह्यूस्टन की धरती से भी देने की कोशिश की। तो जैसा कि आपने देखा है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और ह्यूस्टन शहर पूरी तरह से सज चुका है। ह्यूस्टन पहुंचकर उन्होंने कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात की। कश्मीरी पंडित मिलकर उनसे काफी ज्यादा खुश नजर आए। सिख समुदाय के लोगों से भी उन्होंने बात की और बताना चाहेंगे कि इस अहम दौरे के दौरान आज सुबह कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई है, कई अहम MOU पर भी साइन किए गए हैं और ऐसे में जब PM नरेंद्र मोदी आज ह्यूस्टन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने एक काफी अच्छा संदेश देने की भी कोशिश की। और आपको बता दें कि आज की इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी BJP से हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ विजन युगम जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और विवेक जी, जिस तरह से हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, दुनिया भर में इस कार्यक्रम की चर्चा हो रही है, दुनिया भर की निगाहें जो है वो इस कार्यक्रम पर टिकी हुई है, क्या लगता है कि किस तरह का संदेश जाएगा इस पूरे आयोजन के बाद? मनीषा जी, पूरे विश्व को इस कार्यक्रम के बाद भारत की जो मजबूती का संदेश जाएगा वो ऐतिहासिक होगा। मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस कार्यक्रम में पहली बार दो राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका की धरती पे एक साथ खड़े हो रहे हैं। एक विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और एक विश्व की सबसे बड़ी सामरिक ताकत के राष्ट्राध्यक्ष मिस्टर ट्रंप हैं। और ट्रंप और मोदी जी की जुगलबंदी, ये जोड़ी, ये दोस्ती बहुत कुछ आगे दुनिया में मैसेज देगी। पहली बात, जो जितने समझौते अमेरिका से हमारे आज हो रहे हैं, तमाम तरह के
समझौते आज हमारी सरकार ने हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने वहाँ से किए हैं, इससे आर्थिक ताकत भी भारतीय भाजपा को मिलेगी, यहाँ पे सारी भारत को मिलेगी। और जिस तरीके से कूटनीतिक पहल हमारे देश द्वारा की गई और उसके परिणाम आज मिल रहे हैं, जिस तरह से कल मैंने टेलीविज़न पर देखा इमरान खान के स्वागत को और अपने मोदी जी के स्वागत को, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। एक के स्वागत में पूरा अमेरिका पलक फावड़े बिछाए हुए है, एक को लेने के लिए कुछ पाकिस्तानी अधिकारी खड़े थे। तो ये भारत की बढ़ती हुई ताकत का सबूत है। निस्संदेह आज भारत अमेरिका की उस धरती से जो मैसेज आज नरेंद्र मोदी जी देंगे वो पूरे विश्व को एक मैसेज होगा और ये विश्व गुरु की ओर बढ़ते हुए हमारे कदम है। जी बिल्कुल। और विजय जी, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले भी चर्चा में हमने एक बात को शामिल करने की कोशिश की थी कि किस तरह से उन्होंने स्वच्छता के संकल्प को कितनी गंभीरता से निभाने की कोशिश की है, ये साफ संदेश उन्होंने ह्यूस्टन की धरती से देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उनका चूंकि स्वच्छता अभियान में उन्होंने भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया, उन्होंने शौचालय के निर्माण का कार्य चलाया, यहाँ पर स्वयं भी आपने देखा कि कार्यक्रमों में उन्होंने झाड़ू स्वयं लगाई, और उन्होंने वहाँ ह्यूस्टन में जब पहुँचे हैं और वहाँ पर उनका जब अमेरिकी एक महिला स्वागत कर रही थी, तो स्वागत करने के पर उन्होंने जब बुके दिया तो उस बुके का एक डंडी नीचे गिर जाती है और वो बाद में उन्हें एहसास होता है। आपने देखा इन चित्रों में आपने जो दिखाया कि वो हाथ सेकंड कर रहे होते हैं, एक अधिकारी से एक हाथ से सेकंड कर रहे होते हैं और दूसरे हाथ से उन्होंने उस बुके की गिरी छड़ी को, छोटी सी डंडी को उन्होंने उठाया। इससे उन्होंने ये एक संदेश देने की कोशिश की कि स्वच्छता जो है वो हर स्थान पर होनी चाहिए, स्वच्छता अपने चारों तरफ भी होनी चाहिए। कोई चीज़ अगर गिर जाती है पास में अपने स्वयं में, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी मतलब उसकी औदा बड़ा हो, लेकिन उस व्यक्ति को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसके पास गिरी हुई चीज़ से मतलब जो है वातावरण बाद में गंदा हो सकता है, वो किसी के पैरों में आ सकती है, गंदगी फैल सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा को बरकरार रखते हुए जी उन्होंने उस स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जो उन्होंने स्वाभाविक ढंग से उठाया, और अपने आचरण का जो जैसा कि उनका आचरण है कि जो कहते हैं वही करते हैं, उस प्रकार से देखा जाए कि उन्होंने जो भारतवर्ष में स्वच्छता का अभियान चला रखा है उस अभियान को उन्होंने विदेश में भी करके दिखाया, उसमें भी उन्होंने निसंकोच किसी भी अपनी गरिमा को अपने प्रोटोकॉल को की तरफ ध्यान न देते हुए भी, एक छोटी सी ही स्टिक है वो, लेकिन वो किसी के पैरों में गिरने पर हो सकता है कि उसका काफ़ी रस निकलता और वो गंदगी फैला सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करके एक विदेश की धरती में, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की धरती में भी एक संदेश देने की कोशिश की कि व्यक्ति को चाहे कितना ही बड़ा हो उसके चारों ओर की जो गंदगी है या कोई भी चीज़ मतलब गिर गई है, बिखर गई है, उसे स्वयं साफ करना चाहिए और उसमें अपनी गरिमा या पदवी का ध्यान नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। और विवेक जी, जिस तरह से तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा भावुक भी कर देने वाली हैं, जिस तरह क्योंकि कश्मीरी पंडितों से जब वो मिले तो कश्मीरी पंडित उनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा भावुक नजर आए, सिख समुदाय के भी लोगों से उन्होंने काफ़ी खुशी के साथ मुलाकात की और सिख समुदाय के लोगों से मिलकर जो एक तस्वीर निकल कर सामने आई वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुशहाली पूर्वक थी। और ऐसे में किन किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी नज़रों में? देखिए मनीषा जी, भारतवंशी अमेरिका में बड़ी संख्या में रहते हैं और वहाँ के राजनीति में उनका बड़ा हस्तक्षेप है, उनके आर्थिक व्यवस्था में भी उनका बड़ा हस्तक्षेप है। जो कश्मीरी पंडित मिले नरेंद्र मोदी जी से, उन्होंने धन्यवाद दिया धारा 370 ख़त्म करने पे, तो ये बहुत बड़ा काम था धारा 370 जो कश्मीर के भारत विलय में जो एक रुकावट सी जैसी प्रतीत होती थी, उस 370 को ख़त्म करके कश्मीर को पूरी तरह भारत में विलीन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सही अर्थों में देखा जाए तो कश्मीर का पूर्ण विलय धारा 370 ख़त्म करने के बाद ही हुआ, और इसलिए कश्मीरी पंडितों ने वहाँ धन्यवाद दिया, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी नमाज बन करके आते थे और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहते थे
और इसका दंश कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों ने झेला है, किस तरह से उनको घाटी से पलायन करना पड़ा, पूर्ववर्ती सरकारों ने कितना नकारात्मक रवैया उनके प्रति रखा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सकारात्मक तरीके से अपने नागरिकों के हितों की चिंता कर रही, इसलिए उनका जो उन्होंने जो धन्यवाद दिया वो उसका मोदी जी ने भी प्रतिवाद किया। इसी तरह सिखों को के विषय में देख लीजिए, सिखों ने भी बहुत सदाशयता से नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, जिस तरह से हमारे पाकिस्तान से अच्छे संबंध इस समय ने, फिर भी हमने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के विषय पर सदाशयतापूर्वक बातचीत करके कॉरिडोर खुलवाया, ये सब तमाम विषय ऐसे जिसमें दोनों समुदायों ने नरेंद्र मोदी जी को मिलकर के साधुवाद दिया। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का कद दुनिया में बढ़ता जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ उनको भारतवंशी सुनने को आते हैं और उनके साथ साथ विदेशी भी बहुत से लोग उनको सुनने को आते हैं। जितना बड़ा इवेंट ये हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट किसी भी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष ने आज तक विदेशी धरती पर किसी इतनी बड़ी सभा को संबोधित नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी सभा संबोधित करने जा रहे हैं एक विदेशी धरती पे, और जिस तरह का जुनून उनके लिए वहाँ देखने को मिल रहा है, जिस तरह से रैलियाँ निकल रही हैं, ये बता रहा है कि मोदी जी का जादू लोगों के सर पे चढ़ के बोल रहा है। बिल्कुल। और विजय जी, जिस तरह से दो शीर्ष नेता कहे जा सकते हैं, दो शक्तिशाली नेता जब एक साथ हजारों की भीड़ को संबोधित करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा प्रहार ना किया जाए। बिल्कुल मनीष जी, चूंकि दो लोकतंत्र, एक सबसे पुराना लोकतंत्र और एक सबसे बड़ा लोकतंत्र के जो शासनाध्यक्ष हैं वो आपस में मिल रहे हैं कई चीज़ों में। अभी आपने भी बताया कि वो एएमयू साइन हुए हैं और तमाम वो जो है आर्थिक स्थितियों पर विचार भी किया जा रहा है। उन्होंने सीईओ से भी बातें की हैं, प्रधानमंत्री जी ने कंपनियों के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी अटेंड की है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सब अर्थव्यवस्था की बात होगी, तो साथ साथ में जो पाकिस्तान के द्वारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है और पाकिस्तान के द्वारा तमाम एक तरह से जो एलओसी के चारों तरफ गतिविधियाँ की जा रही हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर अमेरिका के राष्ट्रपति से इस बारे में भी चर्चा करेंगे और उन्हें अवगत भी कराएंगे कि क्या आगे की हमारे भारतवर्ष की रणनीति है, किस तरह से अपने को डिफेंसिव रख करके पाकिस्तान के साथ बराबर एक अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश भारतवर्ष कर रहा है। लेकिन जहां भारतवर्ष डिफेंसिव होकर के अपने को अपने इंटरनल हिस्से में ही लोकतंत्र को कायम करने के लिए धारा 370 हटाकर काम करने के लिए वहाँ के विकास के लिए कार्य कर रहा है, वहीं पाकिस्तान जो है भारत की सीमाओं में जो है आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो इस मुद्दे पर तो चर्चा होनी बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी जरूर कुछ ना कुछ अवसर समय निकाल करके, भले ही 15-20 मिनट का ही अवसर हो, पर इस बात पर चर्चा जरूर होगी और उस पर अपनी भावनाएं भी बताएंगे प्रधानमंत्री जी और उसको कैसे निपटना है। हो सकता है आपस में दोनों ऐसी चर्चा करें कि किस तरह से इस संघर्ष को जो है ख़त्म करना है और जो पाकिस्तान का षड्यंत्र है उससे कैसे निपटा जाए, इस पर ज़रूर चर्चा होगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से ये इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है विवेक जी, उसमें पाकिस्तान भी अड़ंगा लगाने से बाज नहीं आएगा, ये तो तय है और उन्होंने पहले ही प्रदर्शन करने की बात कही। मनीषा जी, पाकिस्तान की छाती पे सांप लौट रहा है जी। मुल्क दर मुल्क जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया जा रहा है विश्व में, उससे पाकिस्तान को अपनी तौहीन समझ में आ रही, अपनी हीन भावनाएं उसके सर चढ़ के बोल रही है। ऐसे में पाकिस्तान एकदम व्याकुल है। पाकिस्तान की ISI इस कार्यक्रम में, इस इवेंट में अड़ंगा डालने की कोशिशों में है। सूचना ये भी मिल रही है वहाँ पर कि कुछ तो जो तमाम मस्जिदें वहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं कि यहाँ पे किस तरह से पाकिस्तानी लोग इकट्ठा हों, कैसे जाकर के वहाँ पे कार्यक्रम के बाहर हुड़दंग करें या वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करें। उनकी एक ISI की बस भी चलाई जाने की योजना है। अभी सब अमेरिकी प्रशासन इसकी चिंता कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमेरिका प्रशासन इस कार्यक्रम को विधिवत सुरक्षित सम्पन्न कराने में सफल होगा और पाकिस्तान की कोशिश नाकामयाब होगी और इसके
भविष्य में दुष्परिणाम भी पाकिस्तान को भोगने पड़ेंगे। इस तरह की हरकतों को ना तो अमेरिका को बर्दाश्त करना चाहिए ना भारत बर्दाश्त करेगा। जिस तरह से एयर स्पेस नहीं खोला पाकिस्तान ने हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो भी निंदाजनक है। और इस उसके बाद इस तरह की हरकत विदेशी मुल्क की धरती पर जाकर के आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जबकि आप तमाम समझौतों में हमसे बंधे हुए हैं, चाहे वो शिमला समझौता हो, चाहे ताशकंद समझौता हो। उसके बाद इस तरह की जो हरकत है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बदनीति है उसको दर्शाता है, और इसका उसको ठीक ठाक उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल। और विजय जी, ये तो साफ है कि अगर पाकिस्तान द्वारा किसी भी तरह की अड़ंगा लगाने की कोशिश की जाती है इस पूरे आयोजन के दौरान, तो ये भी साफ है कि अमेरिकी प्रशासन और भारत प्रशासन मुंहतोड़ जवाब देगा इस बात के लिए। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए पहली बात तो ये सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान किस प्रकार से वहाँ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है कि मस्जिदों में लोगों को एकत्रित करेगा और फिर वहाँ पर इस कार्यक्रम में अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने को जरूरत। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका प्रशासन इस प्रकार की गतिविधियों को अलाउ करेगा। और इस समय पर चूँकि जहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, वहाँ के राष्ट्रपति भी होंगे, तो एक तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उसी कॉन्फ्रेंस में हैं, उस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई भी आतंकवादी गतिविधि या इस तरह का विरोध प्रदर्शन करता है, तो ज़रूर मुझे लगता है कि अमेरिका खुद, अमेरिका सरकार का शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त होगा कि वहाँ के अगर जो इस तरह के विचारधारा वाले पाकिस्तानी लोग हैं, उनको अच्छी सजा मिलेगी। और हो सकता है कि वो अमेरिका शासन उन्हें अपने देश से निष्कासित भी कर दे आगे चलकर, अगर उन्हें इस तरह की कोई, क्योंकि वहाँ केवल भारत के जो प्रधानमंत्री ही नहीं है, वहाँ पर ट्रंप भी हैं, राष्ट्रपति जी। और ये मेरे ख्याल में इस तरह का अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके राष्ट्रपति जहाँ पर हों और जिस कार्यक्रम में वहाँ पर कोई विदेशी नागरिक किसी प्रकार का मतलब जो है विरोध प्रदर्शन कर सकें। इसके लिए मेरे ख्याल में पूरी तरह से अमेरिका सरकार तैयार होगी, जैसा कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे, और उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे, क्योंकि यहाँ के चैनलों ने बराबर इस बात की जानकारी दी है और हर चैनल के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। मुझे लगता है भारत सरकार ने भी स्वयं अवगत कराया होगा कि इस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा की जानी है, तो अमेरिका सरकार और शासन प्रशासन वहाँ का चुस्त दुरुस्त होगा, ऐसा कोई भी वो करने में समर्थ नहीं होगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की तरफ से तो जो भी कदम उठाए जाएंगे उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन विवेक जी ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज कई अहम एमओयू पर साइन हुए हैं, तो ऐसे में व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, निवेश के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कितना ज्यादा अहम हो जाता है ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? मनीषा जी, प्रधानमंत्री का ये कार्यकाल में पहला ऐसा दौरा जिसमें इतने समय तक वो अमेरिका की धरती पर रहेंगे, ये पूरे एक हफ्ते का दौरा है और इतना महत्वपूर्ण दौरा है कि इसी दौरे के दौरान वो एक साथ प्रेसिडेंट के साथ एक जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं, तमाम अमेरिकन कंपनियों के कॉरपोरेट कंपनियों के सीईओ से मीटिंग भी उनकी है, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भी सीईओ गए हैं, उनकी मीटिंग है, तमाम एमओयू साइन हो रहे हैं। इसके बाद तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, यूएन सभा को संबोधित भी करेंगे। ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण दौरा है कि ये दौरा हिंदुस्तान के आगे की तरक्की में ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और जिस तरह से एमओयू वहाँ साइन हो रहे हैं, इससे भारी निवेश हिंदुस्तान में होने की स्थिति बन रही है, आर्थिक स्तर से भी भारत सुदृढ़ होकर निकलेगा और तमाम युवाओं को, बेरोजगारों को यहाँ रोजगार मिलेगा, तमाम इंडस्ट्रियाँ आएंगी और निस्संदेह भारत तरक्की करेगा। और नरेंद्र मोदी का एक एक कदम भारत की तरक्की के लिए है। नरेंद्र मोदी जी का जो भी सपना है, वो यही चाहते हैं, सोचते जागते उनकी यही इच्छा कि भारत तरक्की करे, और उसी कदम को लेकर के यात्रा पर गए हैं। जी बिल्कुल। और विजय जी, ऊर्जा क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उससे ऊर्जा क्षेत्र की भी देखा जाए तो काफी ज्यादा शक्ति में इजाफा होगा, और ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि हर दृष्टिकोण से
हर क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष के लगभग इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हर क्षेत्र में काफ़ी व्यक्ति हमारे अमेरिका में काम कर रहे हैं और बहुत ही अनुशासन और बहुत ही लगन और मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मैं बताऊं कि शायद यहाँ उतनी सुविधाएं ना होने के कारण जितना इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो अमेरिका में पहुंच जाते हैं और अमेरिका में जा कर के अनुशासन के साथ अपना कार्य कर रहा है। जो ये OMUs साइन हुए हैं ऊर्जा के बारे में, तो उनसे जरूर कोई ना कोई निवेश तो बढ़ेगा ही, जैसा कि अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे। साथ साथ में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है एक भारतीयों के सम्मान को भी बढ़ाने के लिए काम करेगी, क्योंकि भारतीय समुदाय जहाँ भी रहता है, किसी भी देश में रहता है, उस देश की के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग देता है। इसलिए जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो भारतीयों का तो मनोबल बढ़ेगा ही, और चूंकि मेरे ख्याल में जितनी बार हमने चैनल देखा है और चैनल के लोगों ने जब भी भारत वासियों से बात की है तो उन्होंने भारत के विकास के बारे में ही अपने विचार जाहिर किए हैं। तो इस तरह से लगता है कि जब इस जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी भारतीय लोगों से, अमेरिकन लोगों से, वहाँ के व्यापारियों से जब बातचीत करेंगे, विभिन्न प्रकार के लोगों से, तो हमारे भारतवर्ष का तो जरूर निवेश बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी सुधरने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल, और विवेक जी ये भी कहा जा सकता है कि इस दौरे के बाद से रोजगार के कई नए अवसर भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भारत देश की जनता की काफी ज्यादा उम्मीदें बंधी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मनीषा जी, जो भारी निवेश तमाम उद्योगपतियों द्वारा हिंदुस्तान में किया जाएगा, हमारे प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया के पक्षधर है, तो जो भी निवेश हो रहा है यहाँ पर हिंदुस्तान में मेक इन होगा, कारखाने लगेंगे, उसमें प्रोडक्शन होगा, उन कारखानों में बेरोजगारों को रोजगार तो मिलना तय है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं, और भारत इस एक तरह से विश्व में आर्थिक शक्ति के रूप में भी आगे प्रगत करेगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो ह्यूस्टन दौरा है वो काफी ज्यादा कई मायनों में खास होने वाला है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है ये वाकई में पाकिस्तान को काफी ज्यादा खटक रही है, और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान जो है ये इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और शायद जो उनकी बौखलाहट है वो भी देखने को मिल सकती है। विजय जी, पहली बात तो मनीषा जी देखिए, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं इमरान साहब, तब से काफ़ी गिरती चली जा रही है। उन्हें अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय वो यहाँ पर कश्मीर के मैटर में अपना जो है लगाए हुए हैं, अपनी ऊर्जा को लगाए हैं, अपना जो है आतंकवाद फैलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की दिन पर दिन आर्थिक स्थिति गिरती ही चली जा रही है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी इस पर कहीं भी विचार नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को, चूंकि वहाँ पर जनता जो है एक तरह से आम जनता काफ़ी संघर्ष कर रही है, जैसे कि वहाँ बताते हैं कि टमाटर ही 200 रुपये और 150 रुपये किलो बिक रहा है, तो बहुत सी चीज़ों के दूध करीब 150 रुपए लीटर हो गया है, तो ये सारी चीज़ें इतनी महंगी होने हो गई हैं। उस इन बातों से प्रधानमंत्री जो इमरान खान जी हैं वो अपनी जनता का ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में और उनके अपने मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा के बारे में, और मतलब एक तरह की एक गलत जातीयता की विचारधारा को फैला करके वहाँ पर डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं जैसा कि समाचारों से बराबर मिल रहा पता हो रहा है कि वहाँ की भी जनता अब समझने लगी है कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह का मतलब है, यहाँ तो आर्थिक स्थितियाँ सुधर नहीं रही हैं और ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि इमरान साहब का चरित्र भी के बारे में भी कहीं वहाँ की जनता उंगलियाँ उठा रही है, तो इस तरह से पूरी तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी फेल्योर नज़र आ रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि अगर उनकी इस प्रकार की गतिविधियां चलती रहेंगी तो कोई ना कोई अन्य आर्मी का व्यक्ति जो है उनको पद से हटा करके और नया व्यक्ति शासक नज़र आने पर नौबत आ जाएगी, जैसा कि वो वर्तमान में अपनी गतिविधियाँ कर रहे हैं।
बिल्कुल, तो इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बताना चाहेंगे कि बीजेपी से हमारे साथ विवेक श्रॉफर जी मौजूद थे और विजय निगम जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे बीच में मौजूद थे। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं, और ऐसे में ये जो दौरा है और ये जो पूरा आयोजन है वो कई मायनों में काफी ज्यादा खास होने वाला है। वाकई में देखना होगा कि 7 दिनों के इस दौरे में किस किस तरह की अहम चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल खबर मिड डे में आज के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर, सब्सक्राइब नाउ।